नमस्कार, हम सब कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये वीडियो ली थी मम्मी को जब टोरंटो में छोड़ने गई थी, आने के वक्त पे मैं ये वीडियो ली थी। देखिए, बिग सिटीज़ का बड़ा बड़ा ऑफिस बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, और चारों तरफ लाइट ही लाइट है। और उसके साथ ही बहुत उस दिन बहुत बारिश भी हो रही थी। और हम लोग माँ को छोड़ने के बाद हम लोग वापस आ रहे थे, पूरा रोड इसी तरह बारिश ही बारिश थी। और मैं लास्ट वीक में हमारे घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, उसीलिए मैं किसी का वीडियो किसी का ब्लॉग नहीं देख सकी हूँ, सॉरी, और न ही मैं अपना कोई वीडियो अपलोड कर सकी थी। और उसीलिए मैंने ये अपना वीडियो अब आज मैं अपलोड कर रही हूँ। और देखें, हम लोग आ गए हैं हाईवे के अंदर में, और ये 2 घंटे का ड्राइव है फिर वापस आने के लिए। और इसी तरह चारों पूरा रात में बारिश हो रही थी, और हम लोग हाईवे में एंटर किए थे तब करीब रात 9 बजे, और घर पे बफेलो में पहुंची थी करीब 11 बजे, रात 11 बजे। और मैं जब भी टोरंटो जाती हूँ मम्मी को पिक करने के लिए, ये छोड़ने के लिए, तो उसी समय मैं हमेशा वॉलमार्ट, कनाडा का वॉलमार्ट में स्टॉप ओवर करती हूँ। कनाडा का वॉलमार्ट मैं नोटिस की हूँ एरिया वाइज बहुत ज़्यादा बड़ा है। और देखिए, ये इधर पे एक टेडी बेयर बैठा हुआ है, हैट लगा कर सो रहा है, मुझे हंसी लगा है, उसीलिए मैं उसका थोड़ा सा वीडियो ले ली हूँ। और ये छोटा सा चेयर, इसमें भी कितने सारे टेडी बेयर सो रहा है, ये भी मुझे फनी लग रहा है। और मैं अरमानी को बोली हूँ, अरमानी पहले जब छोटा था तो मैं हमेशा कनाडा लिखा हुआ कुछ सुवेनियर शर्ट या पैंट उसको खरीद के देती थी। मैं उसको पूछी हूँ अभी भी मैं उसको खरीद के दूँ, स्पेशली ये इस तरह का लिखा हुआ मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अरमानी ने बोला वो उसको अभी और पहनेगा नहीं। एनीवे, उसके बाद ये मारियो का कैरेक्टर, ये भी अरमानी जब छोटा था बहुत ही पहनता था, लेकिन अभी अरमानी बड़ा हो गया है, वो नहीं और ख़रीदना चाहता है। और पोकेमॉन, ये भी अरमानी का बहुत ही फेवरेट था, अच्छा हुआ अभी वो बड़ा हो गया और मांग नहीं रहा। और मैं एक बात नोटिस की हूँ, ये वॉलमार्ट में इतना सारा इंडियंस आइटम्स था, पूरा आइल्स पूरा इंडियंस आइटम्स ही है था, लेकिन हमारे इधर पे इतने सारे इंडियन लोग रहता नहीं है, उसीलिए इस तरह का फैसिलिटी नहीं रहता है। और मैं उधर से बहुत सारा इंडियन मसाला खरीद ली हूँ, क्योंकि वो उधर पे सेल था, और सेल के वजह से मैंने ले ली। हम लोग जल्दी जल्दी से शॉपिंग कर लिए हैं, और उसके साथ ही हम लोग निकल पड़े हैं। लेकिन जैसे ही निकले बाहर पे, बारिश भी तेज़ हो गई है, क्योंकि इस एरिया में बहुत ही सामने में नायग्रा फॉल्स है, तो इसीलिए जब बारिश होती है बहुत तेज़ बारिश होती है, और जब स्नो होती है तब भी बहुत हैवी स्नो गिरता है। हम लोग जैसे ही वॉलमार्ट से निकले, ये डिस्टेंस हाईवे के अंदर में है, हाफ एन आवर का ड्राइव है, दोनों साइड बिल्कुल सुनसान खाली खाली है, सिर्फ जंगल ही जंगल, बहुत सारे पेड़ है। और अभी बारिश हो रही है इसीलिए हवा भी तेज चल रही थी। अरमानी थोड़ा सा डर रहा था, क्योंकि मैं छोटा गाड़ी पे गई थी, थोड़ा सा गाड़ी भी हिल रही थी। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और कम्युनिटी में जाकर थोड़ा सा लेटर डाल के आए, ताकि मैं सब्सक्राइब बैक कर सकती हूँ। हम लोग जब वापस आए थे, इमिग्रेशन बिल्कुल खाली थी, हम लोग का बिल्कुल उस समय नहीं लगा। हम लोग जब आ रहे थे, ये पीस ब्रिज का वीडियो अरमानी ने लिया है, और ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर सुंदर कलर चेंज होती है एवरी 5 मिनट्स में। अरमानी ने जब ये वीडियो लिया था उस समय पर्पल कलर की थी। और हम लोग घर पे आ गए हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्या क्या खरीदी थी। बहुत सारे इंडियन मसालास, और मेन में गई थी ये चाय लेने के लिए, पर बैग के अंदर में, बॉक्स के अंदर में 216 पाउचेस है, तो वो 60 बहुत दिन तक मेरे चाय चल जाएगी, करीब 6 मंथ्स में कुछ सोचने की बात नहीं है। और अरमानी देखे घर पे आके ही कैसा उछलने का शुरू हो गया है। मैं बोली, देखे मैं तो टायर्ड हो गई हूँ, लेकिन आप इतना उछल क्यों रहे हो? और ठीक सर।